बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन लिस्ट वन सर्टेन मटेरियल्स और नेचर ऑफ फोर्स आर गिवन एंड इन लिस्ट टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। सो बच्चों, गिवन है हमें लिस्ट वन में कुछ मटेरियल्स या फिर नेचर ऑफ फोर्सेस एंड लिस्ट टू में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें मैच करना है। तो बच्चों, सबसे पहले लिस्ट वन में गिवन है हमें ए एंट्री में ब्रिटल मटेरियल्स। तो ब्रिटल मटेरियल्स एज द नेम इम्प्लाई कि ये जल्दी ही ब्रेक हो जाएंगे और इनमें यील्ड पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में काफी कम गैप होगा। सो बच्चों, ब्रिटल मटेरियल्स को हम वायर्स फॉर्म में ड्रॉ नहीं कर सकते। सो हमें एंट्री ए का आंसर मिल जाएगा एस। देन चेकिंग फॉर सेकेंड एंट्री, दैट इज फॉर द डक्टाइल मटेरियल। अब बच्चों, अगर डक्टाइल मटेरियल का हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करें, स्ट्रेस सपोज हमने स्ट्रेस ले लिया वाई एक्सिस पर और स्ट्रेन ले लिया हमने एक्स एक्सिस पर, तो हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, सच दैट दिस इज द यील्ड पॉइंट एंड दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट। सो बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि इनको हम इस लार्ज गैप के कारण वायर्स फॉर्म में विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम एक सब्सटेंस सिल्वर। सो बच्चों, बी एंट्री मैच होती है एंट्री नंबर क्यू से। अब चेक करेंगे एंट्री नंबर सी। एंट्री सी में हमें बताया हुआ है टेंजेंशियल फोर्स। तो अगर हम किसी भी बॉडी पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इससे वहां पर शेयर के कारण सिर्फ शेप चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग शो कर देते हैं इस तरह से एक क्यूब को। अब बच्चों, इस क्यूब का हम मान लेते हैं कि जो बॉटम सरफेस है वो फिक्स है और हम इसके अपर सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं। तो ये जो क्यूब है वो कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर हम शो कर सकते हैं बच्चों कि इस क्यूब की जो शेप है वो अब एट रैंडम किस तरह से हो जाएगी, करीब करीब ये इस तरह से पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है, सच दैट यहाँ पर जो शियर एंगल थीटा है वो प्रोड्यूस हो चुका है। सो यहाँ सिर्फ क्या चेंज हो चुका है, शेप। तो वी कैन से दैट आंसर फॉर एंट्री सी विल बी पी। रिकॉल करेंगे, ए एंट्री का आंसर था एस, बी एंट्री का आंसर है क्यू, सी का है पी और अब डी नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स अब किसी भी बॉडी पर लगेगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या चेंज होगा। फॉर मान लेते हैं एक स्फीयर। अब इस स्फीयर पर सपोज हम इस तरह से नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि रेडियस के अलोंग होगा, रेडियल होगा नॉर्मल फोर्स क्योंकि वो इसके किसी भी सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर होगा। तो उसके कारण इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा और हम बोल सकते हैं कि इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। तो वी कैन से दैट आंसर फॉर डी विल बी आर। सो बच्चों, सीक्वेंस मिलता है एस क्यू पी आर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। थैंक यू।